Urbansole ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਾਰੂਫ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੇ ਸਰਮਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਕਾਰਡਨ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ Urbansole ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ Urbansole ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਡੀਲਰਸ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Urbansole ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ। ਇਤਾਰਫੀ ਤਕਰੀਬ 2 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Urbansole ਵਾਹਿਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਫੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ Urbansole ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, आज हम यहाँ पे विंटर कलेक्शन 2010 की मीटिंग के लॉन्च के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी तौर पर जो इस मीटिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हमें प्री विंटर कलेक्शन एक लोगों हमने कस्टमर्स के मार्केट हमने प्रोडक्ट शुरू करना है उसके हवाले से हमारी ब्रांड का लॉन्च हुआ है। इसमें हम Urbansole में तीन मेजर कलेक्शन इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जो कि तीन डिफरेंट ब्रांड्स हैं। उसके साथ साथ पेयर गार्डन है जो कि फॉर्मल शू कैटेगरी कर रहे हैं पेयर गार्डन। Urbansole लैदर की शूज की प्रोडक्शन की जो बुनियादी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके इको फ्रेंडली लैदर्स हैं। लाइक इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हलाल लैदर्स हैं, निकल एंड क्रोम फ्री लैदर्स हैं। इसके अलावा प्रो ग्रीन फिलॉसफी पर हम काम कर रहे हैं, लाइक कि वो जितनी भी टैनिंग होती है हमारी इसके लैदर्स के हवाले से उसमें जो भी टैनिंग में केमिकल्स यूज होते हैं वो सारे एज ए फ्री केमिकल्स यूज होते हैं और वो किसी तरह से भी एक्वाटिक लाइफ के लिए नुकसानदेह नहीं है। और तीसरा चीज इसमें जो चौथा इंपॉर्टेंट बड़ा एक फैक्टर है वो ये कि जितनी भी Urbansole की प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं ये सब ग्लोबल क्वालिटी चेक्स के बाद हमारी जो लैब्स हैं वो हांगकॉन्ग में और जर्मनी में है जहाँ से क्वालिटी टेस्ट होने के बाद प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मार्केट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं Urbansole कस्टमर्स हैं उनको Urbansole की और पेयर गार्डन की जो नई कलेक्शन है वो उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। मेरा नाम शाहिद नवाज चीमा है, मैं Urbansole में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमारी आज की जो ये एग्रीगेशन है ये हमारी बिल्कुल रवायत रही है कि जो भी कोई अगले सीजन की हम प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमारा इरादा होता है तो हम बर वक्त एक सैंपल कलेक्शन मीटिंग का अरेंज करते हैं जिसमें हम दावत देते हैं अपने तमाम बिजनेस पार्टनर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान कि वो इसमें आए और बर वक्त हमें अपनी जो डिमांड है वो प्लेस करें ताकि हम उनको बर वक्त जब सीजन शुरू हो तो ये स्टॉक हम उनको सप्लाई कर सकें।